चारा घोटाले में लालू यादव को कल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, 7 साल की हो सकती है जेल। लखीमपुर खीरी में बोले सीएम योगी, तीसरे चरण में भी स्पष्ट सरकार बन जाएगी, 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगी बीजेपी। 7वें चरण के लिए नाम वापसी के साथ कल तस्वीर होंगी साफ, नामांकन पत्रों की जांच के बाद 54 सीटों पर 652 प्रत्याशी। निगम चुनाव अब बढ़ने वाला है दिल्ली का सियासी तापमान, लोकल पिच पर उतरेंगे सेमीफाइनल के सितारे। वोट डालने नहीं आई मुलायम की बहू अर्पणा, पत्नी साधना और बेटे प्रतीक ने भी क्यों नहीं किया मतदान। यूपी चुनाव 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनके गढ़ में चुनौती देंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। यूपी चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस की आशंका से झारखंड कांग्रेस एक्टिव, विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती। व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे मुलायम, चुनाव में अरसे बाद अखिलेश के साथ दिखी डिंपल, देखें तस्वीरें। राजद ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए 2 और सीटों पर की प्रत्याशियों की घोषणा, 1 पर फंसा पेच। सीएम चन्नी के विवादित बयान पर गिरिराज सिंह का जोरदार हमला, प्रियंका गांधी को लेकर भी कही बड़ी बात। देखते रहिए डीवी भारती समाचार।